देश में लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु राज्य के किसान के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 12,110 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि ऋणों को माफ करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उनकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि AIDM अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पूरी करती है और नए कल्याणकारी योजनाओं को पेश करती है। विपक्षी पार्टी DM के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 एकड़ जमीन देने का वादा किया था जिसे वह कभी भी पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले मुख्य विपक्षी दल DM के अध्यक्ष MK स्टालिन ने बुधवार को अपनी एक सभा में यह घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह कृषि ऋण, स्वर्ण ऋण और शिक्षा ऋण को माफ कर देंगे। स्टालिन ने कहा कि 2006 विधानसभा चुनावों से पहले DMK ने 7,000 करोड़ रुपए के सहकारी ऋणों को माफ करने का वादा किया था और जब एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सहकारी ऋणों को माफ करने के आदेश पर ही हस्ताक्षर किए। स्टालिन ने कहा कि केंद्र की BJP सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई है जो किसानों को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। इसी वजह से पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार हम तो हम इन कानूनों का तब तक विरोध करेंगे जब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाता। स्टालिन ने यह भी कहा था कि DM के सत्ता में आने पर सभी कृषि ऋणों को माफ किया जाएगा। DMK के इसी वादे को करारा जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने आज किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।